यूपी में गधे की लीद से मिलावटी मसाले बनाते पकड़े गए हिंदू युवा वाहिनी के नेता अनूप वार्ष्णेय। यूपी के हाथरस जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हाथरस पुलिस ने गधे के गोबर और एसिड का उपयोग कर स्थानीय ब्रांडों के नकली मसाले बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया। हाथरस कोतवाली सदर इलाके के नवीपुर में चल रही मिलावटी मसाला बनाने की फैक्ट्री पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने एफडीए की टीम के साथ छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में नकली मसाला बनाने का सामान भी बरामद किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री हिंदू युवा वाहिनी के सह मंडल प्रभारी अनूप वार्ष्णेय की है। वो भी मौके पर ही टीम को मिला। जॉइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस फैक्ट्री से लिए गए 27 से ज्यादा नमूनों को परीक्षणों के लिए भेजा गया और लैब से रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना ने कहा कि स्थानीय ब्रांडों के नाम पर 300 किलो से ज्यादा नकली मसाले जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान नकली मसालों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामग्री बरामद की गई, जिनमें गधे की लीद, भूसा और एसिड से भरे हुए ड्रम शामिल हैं। दबिश के दौरान भारी मात्रा में नकली मसाले जैसे कि धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सभी भंडार किए गए थे, वो भी मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री के मालिक अनूप वार्ष्णेय हिंदू युवा वाहिनी के मंडल सह प्रभारी हैं। इस संगठन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में बनाया था। अनूप वार्ष्णेय के पास ना तो फैक्ट्री चलाने का और ना ही मसाला बनाने का कोई लाइसेंस था, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर का हेका। अनूप वार्ष्णेय धड़ल्ले से यहाँ पर ये नकली मसाले बना रहा था, लोगों को गधे की लीद खिला रहा था। अब जरा सोचिए कौन कौन इन मसालों का इस्तेमाल करता होगा। कई लोग तो इस मसाले का इस्तेमाल पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले प्रसाद बनाने में भी कर रहे होंगे। अब जरा सोचिए वो अपने इष्ट को क्या अर्पित कर रहे थे। खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले अनूप वार्ष्णेय की फैक्ट्री में गधे की लीद लोगों को खिलाई जा रही थी। आस्था से खिलवाड़ के अलावा ये मसाले स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक अगर लंबे समय तक इन मसालों का सेवन किया जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।